नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के नियमों में संशोधन एवं विभाग की विभिन्न समस्याओं का निराकरण होने पर शुक्रवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शहीद स्मारक पर धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राजस्थान सरकार को धन्यवाद देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का सम्मान किया गया। इस दौरान मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान के लिए सरकार तैयार है, शिक्षकों की वाजिब मांग सरकार पूरी करेगी। तो वहीं शिक्षक संगठनों ने सरकार के कामकाज की तारीफ की और इस दौरान विधायक बाबूलाल नागर एवं विभिन्न शिक्षक नेता मौजूद रहे। ये लोग भारी संख्या में मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री का आभार प्रकट करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि अभी कोरोना का प्रभाव एकदम से नगण्य नहीं हुआ है, आप लोग एक जगह मास्क लगा करके इकट्ठे हो जाइए, मैं खुद आ जाऊँगा। मेरे यहाँ बंगले पे आओगे, सीलॉन पे आओगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कोरोना गुड नहीं अवेयरना होगी, जो मैं नहीं करना चाहता। निश्चित रूप से पहली बार सत्तर ये सर से लेकर के और आज पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण से उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग में जो इनकी परसों से डिमांडें थी, चाहे वाइस प्रिंसिपल की हो, चाहे नियमों में संशोधन की हो और हो व्याख्याता और HM के जो अनुपात की विवाद की बात हो, सब समस्याओं का समाधान किया गया है। शिक्षा विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, 50 वर्ष बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, नए नियम बने हैं और उन नए नियमों में सभी वर्गों को, जिसमें चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे शारीरिक शिक्षक हो, लेक्चरर्स हो, इन सबको बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। लेक्चरर्स का जैसे पदोन्नति अनुपात है वो 67:33 की जगह 80:20 कर दिया। हमारे पिछले 35 वर्षों से जो हेडमास्टर और लेक्चरर की आपसी लड़ाई थी उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, हेडमास्टर पद को ही समाप्त कर दिया। तो इन सभी चीज़ों से हमारा व्याख्याता समुदाय बड़ा खुश है और हमने तुरंत ही एक निर्णय लिया कि भाई आज हम शिक्षा मंत्री जी को एक बार एक छोटा सा धन्यवाद ज्ञापित। चले बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन जस्टिस फॉर छाबड़ा संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा ने आबकारी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम से मुलाकात कर प्रदेश की आबकारी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान पूनम छाबड़ा ने बताया कि प्रदेश में जब तक संपूर्ण शराबबंदी नहीं होती है तब तक आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का संचालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति के अनुसार 10 घंटे से ज्यादा दुकानें नहीं खुल सकती। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शराब देर रात तक उपलब्ध हो रही है और ऐसी दुकानों के लाइसेंस निरस्त होने चाहिए, जिस पर आयुक्त ने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अंकुर छाबड़ा ने आमजन की समस्याओं से अवगत कराते हुए आबकारी आयुक्त जोगाराम को संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन के तहत उन्होंने कहा है कि 10 घंटे ही शराब की दुकानें खुलनी चाहिए, जबकि आज हालात ये हैं कि ये देर रात तक खुली हैं और ऐसी दुकानों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और आबकारी आयुक्त जोगाराम जी ने उन्हें इस प्रकार की जितनी भी दुकानें हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो वही आपको बता दें कि राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 4 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में विधान परिषद का गठन होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और UGC के आदेश के अनुसार राजस्थान में सभी यूनिवर्सिटी 3rd ईयर के और फाइनल ईयर के एग्जाम जरूर करवाएगी, जो कि जुलाई अंत से अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और इसमें छोटी मोटी बात हो सकती है, लेकिन कहीं भी हमारी पार्टी में अंतर्कला नहीं है। तो वही बीकानेर प्रवास के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता के सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी। भंवर सिंह जी, पिछले दिनों एक बड़ी बात कही गई कि राजस्थान में विश्वविद्यालय में एग्जाम होंगे, खासतौर पर हम बात करें सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की और अन्य MA, तो क्या कहेंगे, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे?
देखिए कोरोना की परिस्थितियों में एक बार हमें एग्जाम बीच में स्थगित करने पड़े, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाए जाना सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यूजीसी की भी यही गाइडलाइन है कि यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समय पर करवाई जाए। तो उस दिशा में हमने बहुत ही एग्जाम्स का एक सरलीकरण करते हुए, समय कम करते हुए, विद्यार्थियों को कोविड से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ज़्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाते हुए एक विस्तृत कार्य योजना बना करके यूनिवर्सिटीज़ को दिशा निर्देश दिए हैं और हम बहुत ही एक सुरक्षित तरीके से थर्ड ईयर की परीक्षाएं अब अगस्त के अंतिम सप्ताह से, जुलाई के अंतिम सप्ताह से और अगस्त के महीने में करवाएंगे और उसके अलावा बाकी जो परीक्षाएँ हैं वो थोड़े समय बाद में जैसे ही परिस्थितियाँ हमारी और ज़्यादा ठीक हो जाएगी तो 31 दिसंबर से पहले पहले सेकेंड ईयर की परीक्षाएं भी और प्रीवियस की परीक्षाएं थर्ड वेव आने का है तो उन सबको देखते हुए क्या परीक्षाएं हो पाएगी? देखिए वर्तमान में जो समय चल रहा है वो काफ़ी सुधार हुआ है, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चालू हो गया है, लोग आना जाना भी कर रहे हैं और लोगों ने, आम आदमी ने अपना ध्यान खुद रखना शुरू कर दिया है, मास्क लगाना, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी बातें अब लोग फॉलो कर रहे हैं और सारी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए हम पूरी जो गाइडलाइन है उसका ध्यान में रखते हुए ही बच्चों की परीक्षाएं जो ज़रूरी है वो करवाएंगे। तो विश्वविद्यालयों को भी कहा गया है कि पूरी व्यवस्थाएं करें और बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, घर के नज़दीक सेंटर्स बनाए जाएँ एग्ज़ाम सेंटर्स, ये सारी व्यवस्थाओं के तहत हम एग्ज़ाम करवा रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए पहली है, लेकिन उसके साथ साथ विद्यार्थी का एकेडमिक फ्यूचर भी उस विद्यार्थी के लिए जरूरी है। सर राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा विधान परिषद का गठन की तैयारी चल रही है, हालांकि ये प्रस्ताव भेजा है, पहले भी कई बार जा चुका है, हुआ कुछ नहीं, क्या ये मने अब इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए विधान परिषद का प्रस्ताव पहले भी गहलोत साहब जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी भिजवाया गया था विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके और अभी लोकसभा में वो परीक्षणाधीन है, अभी एग्जामिनेशन के तौर पे है, अभी परीक्षण किया जा रहा है तो अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए मंत्रिमंडल की परसों जो बैठक हुई है उसमें हमने फिर से विधान परिषद के गठन को लेकर के मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री महोदय की स्पष्ट मंशा है कि विधान परिषद का भी गठन हो जिससे कि और भी ज़्यादा हमारे जनप्रतिनिधि हो और जनता की आवाज़ को पहुंचाने के लिए समाज के हर वर्ग के लोग भी उसमें शामिल हो। कांग्रेसी नेताओं और MLA की अब एक काफ़ी दिनों से निगाह है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, अगर बात करें उसके लिए क्या कहेंगे, कब तक होने की उम्मीद है? देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार या मंत्रिमंडल से संबंधित जो निर्णय होते हैं वो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनको तय करना है और साथ में हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे कि किस विधायक को क्या जिम्मेदारी देनी है। मैं समझता हूँ इसमें मैं ज़्यादा कोई अपनी कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बारे में पार्टी जो भी तय करेगी सभी विधायकों को सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा और कांग्रेस में किसी भी तरह की अंदरूनी कलह नहीं है, ना किसी तरह का मतभेद है। एक कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें हो सकती है लेकिन पार्टी की लाइन पर सभी कांग्रेस के विधायक सभी कार्यकर्ता जनता की उम्मीदों पर, जनता के विश्वास और भरोसे पर जो सरकार बनी है उस सरकार को आगे बढ़ाने का और जनता के कार्यों को करने का संकल्प लिया है और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ है। तो ये थे भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस में किसी तरह की अंदरूनी कलह नहीं है और सब कुछ संयम में चल रहा है। KK सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर। तो वही आपको बता दें कि जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आज फिर से वैक्सीन की किल्लत होने से कई सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। जयपुर जिले में चुनिंदा सेंटर पर ही आज वैक्सीन लगाई जा रही है। पिछले दिनों आई 3.09 लाख डोज का स्टॉक भी खत्म हो गया है। ऐसे में लोगों को आज फिर वैक्सीन सेंटरों से बिना टीका लगवाए लौटना पड़ रहा है।
वैक्सीन कब आएगी इसे लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक आज वैक्सीन न होने के कारण 90% सेंटरों को बंद करना पड़ा और केवल उन्हीं सेंटर्स पर वैक्सीन लग रही है जहां थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है। इसमें ज्यादातर सेंटर ग्रामीण इलाकों में है। हालांकि शहरी इलाकों में प्राइवेट अस्पतालों में आज वैक्सीनेशन हो रहा है। जयपुर में आज 20 निजी अस्पतालों में निर्धारित शुल्क देकर लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैं राजधानी जयपुर से संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, जानना चाहेंगे प्रदेश में वैक्सीनेशन की इस समय जो स्थिति है, 90% तक वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो चुके हैं वैक्सीन की कमी को देखते हुए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी अभी हम CMHO ऑफिस में बात करके आए हैं। खुद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम शर्मा ने माना है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की भारी किल्लत है, इस वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है और कभी वैक्सीन आती है कभी नहीं आती, ये स्थिति प्रदेश के अंदर चल रही है। लगातार डिमांड जो है वो राजस्थान की चल रही है। 10 लाख से अधिक जो डोज लगाने की क्षमता जो है वो राजस्थान प्रदेश में हासिल कर चुका है और 10 लाख से ज्यादा डोज लगा करके भी जो है प्रदेश के अंदर दिखाई गई है, तो लेकिन डिमांड के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो रही है। पिछले अगर बात करें तो 3-4 दिन से वैक्सीन नहीं आई है, उस वजह से वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो सारे शांत पड़े हैं। जहां कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या CMHO सेकंड के अंदर जहां पर कोटा कुछ निर्धारित बचा हुआ है कुछ एक वैक्सीन का, केवल वहां सीमित संख्या के अंदर या फिर VIPs जो है उनके कहने पर ही जो है वैक्सीन वहां पर अवेलेबल हो पा रही है और उसके लिए खुद अधिकारी जो है वो खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह से, सेंटर से तालमेल बनाए हुए हैं। अति आवश्यक है तो वहां के लिए बात कर रहे हैं कि कुछ एक उधार मिल सकती है क्या वैक्सीन। ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर चल रही है और निश्चित रूप से आज CMHO ने खुद स्वीकारा है कि वैक्सीन नहीं है। न्यूज इंडिया के सूत्र ये बता रहे हैं कि आज 2 लाख के करीब वैक्सीन जो है वो प्रदेश के अंदर आ सकती है, लेकिन ये भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है क्योंकि प्रदेश में वैक्सीनेशन की क्षमता जो है वो 10 लाख के आसपास प्रतिदिन है। यदि 2 लाख भी आएंगी और उसमें जयपुर की बात करें तो जयपुर में CMHO ऑफिस के अंदर 15,000 वैक्सीन दी जाएंगी, तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगवाने वाले लाखों हैं और वैक्सीन जो है वो कुछ हजार की संख्या के अंदर आएंगी, तो फिर क्या स्थिति होगी? वही स्थिति है, तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लोग बातचीत करके पूछताछ करके लौटे जा रहे हैं कि 2 दिन से यही स्थिति चल रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगाने की वक्त जो है वो भी आ चुका है, 84 जिनका कोविशील्ड का भी वक्त हो चुका है, ऐसे लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, वैक्सीन आएगी तो उसके बाद में ही लगाया जाएगा। तो निश्चित रूप से लोगों को काफी मेंटल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, ऐसे लोग जो है वो इसी ताप के अंदर है, इसी इंतजार के अंदर है, कहाँ किस सेंटर के अंदर वैक्सीन आ जाए, उनको जानकारी लग जाए तो वो अपने वैक्सीनेशन लगा ले। व्यक्ति आश्वस्त होना चाहता है कि तीसरी लहर आने की आशंका है, उससे पहले पहले हम दोनों डोज लगवा ले तो कहीं ना कहीं राहत जो है वो मिल सकती है, तो यही सब सोच करके लोग जो है वो परेशान। जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कब वैक्सीन की जो खेप है, जैसा कि अभी आपने भी बताया सूत्रों के हवाले से कि 2 लाख आ सकती है लेकिन राजस्थान की क्षमता 10 लाख लगाने की है। खैर, जितनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन आएगी उतनी ही जल्दी हमारे प्रदेश में भी वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो जल्द से जल्द गति पकड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भरतपुर में एक टैक्सी ड्राइवर से लूट के मामले में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई गाड़ी भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी को ये चारों बदमाश मानेसर हरियाणा से किराए पर लेकर रवाना हुए थे। इस दौरान बदमाशों ने भरतपुर में ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए उसके हाथ पैर बांध दिए और कार लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद सभी बदमाश जयपुर आए। इस दौरान बदमाश यहां आने के बाद एक लूट समेत कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर से आरोपियों के प्रतापनगर इलाके में होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के बाद पुलिस ने सभी बदमाशों को घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। फिलहाल सभी बदमाशों से पूछताछ पुलिस की जारी है। तो मैं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना पुलिस ने अवैध पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नाकेबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। SP आदर्श सिंधु के निर्देश पर रठांजना सर्किल में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने प्रतापगढ़ की तरफ से आ रही कार को रुकवाया, जिसमें तलाशी के दौरान पुलिस ने कार से 63 किलो 400 ग्राम चांदी जब्त की है और कार सवार 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है।
तो वहीं डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा कस्बे में तालाब में युवक का शव मिलने का एक मामला सामने आया है। युवक के घर से 5 किलोमीटर दूर पीठ गांव के तालाब में युवक का शव मिला है, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब से शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल दम्बोला पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गई है। पीड़ तालाब में किसी आदमी की लाश तैरने की सूचना मिली, जिस पर हम लोग मौके पर गए थे, जहां काफ़ी लोग एकत्र थे। उसकी लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश को डूंगरपुर भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी में है कि ये कल 2 बजे के करीब घर से निकला था और रात को नहीं मिला था। इसके परिजनों ने रात को थाने पर गुमसुदगी की रिपोर्ट भी दी थी, जो हमने दर्ज की थी, और आज इसकी बॉडी मिली है। मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कल 2 बजे के बाहर वो गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं बाहर था, तो उसे बाहर आके किसी आदमी ने बोला कि आपका छोकरे का छोकरा घर नहीं है। फिर हमें घर पे था, मैं फिर बाहर जाके उसको देखा, फिर मैं 2-4 आदमी को लेके सब में जो फिरा, पर कुछ हाथ में आया नहीं। फिर पुलिस स्टेशन पे गया, चौकी पे, चौकी वाले को नाम किया, नाम करवा के फिर थाने में गया। थानेदार साहब ने बोला कि चौकी पे जाओ, फिर चौकी पे गया, फिर थाने में गया रात को 11 बजे। फिर सुबह में हमने थाने में गए, फिर वापस, फिर उन्होंने बोला कि 12:30 बजे आना, आपको इतला हम दे देंगे, फ़ोन नंबर दे दो। मैंने मेरा फ़ोन नंबर उसको दे दिया थानेदार साहब को। फिर एकदम मुझे आवाज़ आया, सब लोग दौड़े, क्या साहब क्यों सो रहे हो, तुम्हारा छोकरा तो पिट के तालाब में है। तो ये आपको बता दें कि डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से अवैध अंग्रेजी शराब की 10 पेटियां जब्त की और ट्रक चालक को भी पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू सामान की आड़ में गुजरात तस्करी के लिए अवैध शराब लेकर जाई जा रही थी। तो वहीं पुलिस पूछताछ में ट्रक चालक ने बीच रास्ते में अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां रखना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तो ये बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में बीकानेर संभाग में एक बार फिर नहरबंदी जैसे हालात सामने आ रहे हैं। दरअसल 11 जुलाई से IGNP में मात्र 2000 क्यूसेक पेयजल ही मिलेगा, जिससे जिले के 15 लाख लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो वहीं बीकानेर सहित 10 जिलों में मात्र पीने का ही पानी मिल पाएगा। साथ ही पौंग डैम पर बारिश न होने से किसानों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में पानी के मुद्दे को लेकर सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वही पाली जिले में बाली उपखंड के नाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। नाना थाना अधिकारी भंवरलाल माली ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशन में नाना थाना पुलिस ने अवैध खनन की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर खनन विभाग को भी सूचित कर दिया है। तो वहीं टोंक जिले की देवली थाना पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने आरोपी को जयपुर के सुडाला क्षेत्र से रात के वक्त दबिश देकर गिरफ्तार किया। इसे लेकर थाना प्रभारी राजेंद्र खंडेलवाल की ओर से हेड कांस्टेबल विनोद की अगुवाई में टीम गठित की गई थी। टीम ने जयपुर दबिश देकर आरोपी सोनू पंडित उर्फ पुरुषोत्तम को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गत 11 सितंबर 2020 से सक्रिय अपराधी ए श्रेणी में शामिल किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू मालेड़ा स्थित राजीव सेवा केंद्र से गत वर्ष चोरी हुई सोलर बैटरी और प्लेट चोरी के प्रकरण में फरार चल रहा था। उनकी बैटरी वगैरह चुराता है। राजीव गांधी जो सेवा केंद्र है, अटल सेवा केंद्र है, इधर से रात को अपने साथियों के साथ आता है और सिर्फ बैटरी चुरा कर वहाँ ले जाता है और बीकन नंबर को वहाँ भेजता है। अभी वर्तमान में हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। जो मोस्ट वांटेड है, भगोड़े हैं, स्टैंडिंग वारंटी है,
उस कार्रवाई के तहत अभी इसमें लगेगा कि ये हमारे इनामी बदमाश है सोनू पंडित, और इसके खिलाफ कई थाने में मुकदमे दर्ज हैं। मनी ठाने यहाँ जिला गाँव जिले में भी 3-4 मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग थाना चलते हैं, और भी कई जगह ये वांटेड है। तो इसको परसों के दिन तो ये भरतपुर जिले में बयाने के गांव समोगर में दो भाइयों पर मकान की नींव खोदते समय दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक हमला कर दिया। इस दौरान हमले में 3 महिला सहित 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित लक्ष्मण जाटव ने बताया कि हम दोनों भाई अपनी जमीन में नींव खोद रहे थे। इस दौरान ताऊ के बेटों ने 16 से 17 लोगों के साथ लाठी, कुल्हाड़ी और सरियों से हम पर हमला कर दिया। और राजीनामा है वो प्लॉट तो 2 दिन पहले। अब भाई तो बोली ताब के थे कि भैया नीम खोदे, कि भैया नीम खोद ले चले जा। हम फावड़ लेके दोनों भाई गए, वे सब बच्चा बच्चा लट्ठर कुल्हाड़ी और बांह का फर्चा लेके हम डाल दिए सबल धुआंधार देंगे। महेंद्र निवासी समोगर में झगड़ा भया, मैं पुलिस के पास गया, वो कोई नहीं मिला साहब, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं वापस आ गया भरतपुर गाँव में, भरतपुर गया वहाँ से वापस नहीं करी मेरी सामने, फिर मैं ही आ गया सामने बयाना। मैं गेट में गई 9 बजे ऐसे की बात है, मैं अकेली गई पीछे थे गए, जब मेरी लट्टा छुट्टी करी मेरे सब तोड़ गया फाट देना, और जब ये देवर भसे फिर मेरी बेटी भसी इन्हें मेरे बीच में दर्द कर दी अखेलो पर गया मैं धुआं धार मेरी बेटी ने लू मच के वो पप्पू लक्ष्मण अतर और आशा पूजा और ये रेशम और उगंती इन्हें अखेरे उगंती तीनों करी पकड़ लिए भैया आ जा। तो ये भरतपुर के डीग में नगर रोड पर दिन दहाड़े हथियारों के बल पर 3 लुटेरों ने गैस एजेंसी के कर्मचारी का बैग लूट लिया, जिसमें सिलेंडर की बिक्री के 8,000 रुपए भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में देर शाम 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 कट्टे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और 1 बाइक जब्त की है। साथ ही पुलिस ने लूटी हुई रकम और बैग भी बरामद कर लिया है। गैस एजेंसी वाले जो सप्लायर है उनके 3 लड़के मोटरसाइकिल स्प्लेंडर लाल रंग पे आए, और उसके जो सप्लाई जो पैसे आए वो छिना के ले गए। इस पर तत्काल कंट्रोल रूम को इतला दी, कंट्रोल रूम में नाकाबंदी के आदेश दिए और 2 टीमें उनका लगातार पीछे किया। रविंदर सिंह हेड कॉन्स्टेबल एस आई हरवीर सिंह और कॉन्स्टेबल को जाकर मुस्तैदी से उनका पीछा किया लगातार, तो गाँव वालों को इतला किया और सिंसनी में ये लोग। तो तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी के दौरान शुक्रवार को जोधपुर में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर रातानाड़ा स्थित पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बैनर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। ये अभियान ओबीसी मोर्चा की ओर से चलाया गया। राजस्थान संगीत अकेडमी के पूर्व चेयरमैन रमेश बोराड़ा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि की जा रही है, जिससे आमजन काफी परेशान है। कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ द्वारा आज रातानाड़ा सर्किल स्थित पेट्रोल पंप पे गैस और पेट्रोल डीजल के जो भाव में बेहतासा जो वृद्धि हुई है उसके लिए केंद्र की निकम्मी सरकार जिम्मेदार है। गैस के जो है भाव निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इस जुलाई महीने के अंदर निरंतर 6-7 बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, उनके भाव देश की आज़ादी के बाद इतने प्रतिशत भाव कभी नहीं बढ़े जितने वर्तमान में हैं। पेट्रोल 105-6 रुपये हो गया है, डीजल 100 रुपये हो गया है, और इस पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के कारण आम जीवन में उपयोग में ली जाने वाली सभी चीज़ें महंगी हो गई है। तो आम जनता महंगाई से त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, और ये हिंदुत्व का राग अलापने वाली मोदी सरकार 27 रुपए लीटर का तेल मुस्लिम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।